आज हम बात करते हैं कि पैकर्स मोर्स बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना कितना आसान है और लीड जनरेट किए बिना आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ये आप भी जानते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं। उनमें से अगर कोई एक फॉर्मूला या कोई एक पॉइंट भी आप पकड़कर अपनी लीड जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके पास लीड की कोई कमी नहीं रहेगी। और आज के बाद आप ये वीडियो बार बार देखेंगे और उसके बाद हो सकता है आपके बिजनेस में कुछ नई तरक्की आए, कुछ नए आयाम तक आपका बिजनेस पहुंच जाए। इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, इसका कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आप न छोड़े, क्योंकि यह वीडियो आपके बिजनेस के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लीड जनरेट करना, और लीड कैसे जनरेट होगी, अच्छी क्वालिटी लीड कैसे जनरेट होगी, आज के इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैकर्स मोर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप उसका नेम सोचे कि किस नेम से आपको अपना बिजनेस बनाना है। वह नेम आप रजिस्टर करें और उसी नेम से आप डोमेन बुक करें। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद आप अपना कंपनी का करंट अकाउंट खुलवाए। कंपनी का करंट अकाउंट खुलने के बाद आप अपनी स्टेशनरीज बनवाए, विजिटिंग कार्ड बनवाए, इनवॉइस बनवाए, बिल्टी बनवाए। और ये सभी ज्यादा खर्च वाले काम नहीं है, इनमें बहुत कम बजट में आपका पैकर्स मोर्स का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बट स्टार्ट करने के बाद ये बेसिक फॉर्मेलिटीज जैसे ही कंप्लीट होती है, आपको उसके बाद लीड जनरेट करना है। और लीड जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। जितनी अच्छी आप वेबसाइट बनाएंगे आपका बिजनेस उतना ही अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि वेबसाइट किसी भी बिजनेस के लिए, स्पेशली पैकर्स मोर्स बिजनेस के लिए नींव होती है। अगर नींव अच्छे से मजबूत होगी, नींव ही कमजोर हो जाएगी तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल पाएगा। इसलिए वेबसाइट बनाते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे डोमेन ज्यादा लेंथी ना हो, होस्टिंग अच्छी कंपनी की हो, उसके बाद जो वेबसाइट आप बना रहे हैं उसमें सिटी स्पेसिफिक पेज हो, क्योंकि पैकर्स मोर्स में सिटी स्पेसिफिक सर्च होती है और सिटी स्पेसिफिक सर्च होने से आपको बहुत ज्यादा कॉल्स आएगी। इसलिए सिटी स्पेसिफिक पेज बनाएं। मैं एक वेबसाइट का एग्जांपल लेकर आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे नीट एंड क्लीन एक अच्छी अट्रैक्टिव वेबसाइट कैसे दिखती है और हर कोई उसी को फॉलो कर रहा है। आप भी उसी से अपना कंपेरिजन करके अपनी वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट में यूनिक कंटेंट रखें। जितना यूनिक कंटेंट होगा उतनी ही ज्यादा गूगल सर्च में आएगी। जितना ज्यादा यूनिक कंटेंट होगा आपका पीपीसी अच्छे से चलेगा। जितना ज्यादा यूनिक इमेजेज होगी आपकी इमेज सर्च में आएगी। ओवरऑल वेबसाइट की रैंक बेस्ट हो जाएगी। मैं एक वेबसाइट यहाँ पर दिखाता हूँ। यह एक बहुत फेमस वेबसाइट है, अग्रवाल पैकर्स मूवर्स। इसमें यहाँ पर कुछ पेजेज बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत कम पेज आपको दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको सिटी वाइज बहुत सारे पेजेज दिख जाएंगे। अब ये सिटी वाइज जो पेज बने हैं इनका कुछ न कुछ मीनिंग है, तभी ये इतने ज्यादा पेज बने हुए हैं, क्योंकि जो सिटी वाइज सर्च होती है उसमें ये पेज रैंक करेंगे और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक आने से आपको वह कॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए आप एक अच्छी और इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाएं। जितनी अच्छी वेबसाइट होगी उतना ही अच्छा आपका कन्वर्जन रेशो होगा। उसके बाद कोई भी वेबसाइट बनने के बाद वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर आने के लिए गूगल में तीन टाइप के सर्च रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला होता है गूगल एडवर्ड, उसके बाद होता है गूगल माई बिजनेस और उसके बाद होता है SEO। इन तीनों में से अगर किसी एक पर भी आप अच्छे से काम करेंगे तो आपके पास लीड की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि गूगल सर्च हर कोई करता है और हर कोई यही सर्च करेगा पैकर्स मोर्स नियर मी। अगर वह दिल्ली में सर्च कर रहा है पैकर्स मोर्स इन दिल्ली, पैकर्स मोर्स कंपनी इन दिल्ली, पैकर्स मोर्स सर्विसेज इन दिल्ली, पैकर्स मोर्स बेस्ट कंपनी इन दिल्ली, तो हो सकता है सामने वाला कुछ भी सर्च करे और आपका वेबसाइट अगर गूगल के फर्स्ट पेज पर आ रहा है तो वह बहुत अच्छा माना जाएगा। गूगल एड्स चलाने के लिए मैं हम पहले कई वीडियो बना चुके हैं, पैकर्स मोर्स का गूगल पर कैसे ऐड चलाए, कोल्ड का एड्स कैसे चलाए, लीड फॉर्म कैसे चलाए,
या फिर स्मार्ट कैंपेन कैसे बनाए, एक्सपर्ट मोड में कैंपेन कैसे बनाए, इन सभी के ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। हमारे चैनल पर सभी वीडियो अवेलेबल है, आप उन वीडियो को देखकर अपना पैकर्स मूवर्स का गूगल एड बना सकते हैं। अगर कोई क्वेरी कंफ्यूजन होता है तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि गूगल में जो सेकंड होता है वह होता है गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस में अपना प्रोफाइल कैसे वेरीफाई करें, इंस्टेंट वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, पोस्ट कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, या फिर आप ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सभी वीडियोज पहले बना चुके हैं। इन वीडियोज को फॉलो करके आप गूगल माई बिजनेस में लिस्टिंग लगा सकते हैं। अगर लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है तो सस्पेंशन से बाहर कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है। अगर आपका मोबाइल नंबर अंडर रिव्यू रहता है तो मोबाइल नंबर को अंडर रिव्यू से बाहर कैसे निकाले, उसके ऊपर भी वीडियो बने हुए हैं। गूगल माई बिजनेस पर ऐसा कोई वीडियो हमारा नहीं है जो पैकर्स मूवर्स के ऊपर हमने नहीं बनाया हो, इसलिए सबसे अच्छे कोर्स आपको गूगल माई बिजनेस से आएंगे। और गूगल माई बिजनेस के लिए क्या क्या स्टेप्स करने हैं ये हम आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं, और इसके थ्रू आप काफी ज्यादा कॉल जनरेट कर सकते हैं। तीसरा होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर लाने का जो ऑर्गेनिक तरीका है उसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसमें आपकी वेबसाइट थोड़ा लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट की होती है, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट यहाँ पर नहीं आते। और जैसे जैसे आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर आ जाएगी, हो सकता है 3 से 6 महीने लग जाए गूगल के फर्स्ट पेज पर आपकी कीवर्ड आने में, बट जैसे ही आपके गूगल के फर्स्ट पेज पर आपकी वेबसाइट रैंक करेगी तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और उसके थ्रू आप इतनी अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं, कि आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी सर्च रिजल्ट है वह किस तरीके से दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ पैकर्स मूवर्स दिल्ली। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एडी वाले सर्च रिजल्ट है ये गूगल एड्स के, जो गूगल एडवर्ड भी बोलते हैं, गूगल एड्स भी बोलते हैं, यहाँ पर जो ये 4 रिजल्ट आपको दिख रहे हैं ये गूगल एड्स के सर्च रिजल्ट है। और इनके जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर कुछ अमाउंट डालते हैं। अगर मैं किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करूंगा तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो अमाउंट है गूगल की तरफ से यह अमाउंट सेट किया जाता है, यह टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और यह सर्च के अकॉर्डिंग इसका प्राइस होता है। अगर आप किसी भी सर्च रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। मैं एग्जांपल के लिए एक आपको करके दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं पोर्टल के नाम से एक वेबसाइट है और यहाँ पर एक इंक्वायरी फॉर्म भी बना हुआ है। इस इंक्वायरी फॉर्म को फिल करते हैं तो उनकी मेल पर जाएगा या CMS में जाएगा। यह एक फनल टाइप का है और इसमें नीचे प्राइस भी दिए हुए हैं कि 2 BHK का अप टू दिस, 3 BHK का अप टू दिस, ये प्राइस हो सकता है जो फिक्स नहीं होता। ऐसे ही आप नीट एंड क्लीन एक लैंडिंग पेज बनाएं और उस लैंडिंग पेज को ही आप प्रमोट करें। इसके नीचे जो सर्च रिजल्ट है वह गूगल माई बिजनेस के हैं। सबसे ज्यादा सर्च गूगल माई बिजनेस पर आ रही है आजकल, इसलिए गूगल माई बिजनेस पर लिस्टिंग लगाना बहुत आसान है। अगर आप खुद से नहीं लगा पा रहे हैं या खुद से अपना गूगल माई बिजनेस प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस लगाने के बाद उसको कंटिन्यूअसली प्रमोट करना है, आपको उस पर अपडेट्स रखने हैं, अपने पोस्ट डालने हैं, आपको अपना ऑफर्स निकालने हैं, इवेंट्स डालने हैं, फोटोज और वीडियो डालने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है वह है रिव्यू। रिव्यू मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप अपने कस्टमर से रिव्यू जरूर डलवाएं, जितने ज्यादा रिव्यू डलवाएंगे उतना ही ज्यादा आपका जो प्रोफाइल स्कोर है वह अच्छा हो जाएगा और आपको उतने ही ज्यादा कॉल आएंगे, क्योंकि गूगल माई बिजनेस में रिव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। रिव्यू के बिना आपकी लिस्टिंग गूगल सर्च में नहीं आएगी, इसलिए रिव्यू डलवाना बहुत जरूरी है। आप कंसिस्टेंसी के साथ रिव्यू डलवाएं, क्योंकि अगर आप एक ही दिन में सारे रिव्यू डलवा देते हैं तो वह इतना बेनिफिट नहीं देते जितना कि धीरे 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 आप रिव्यू डलवाते जाएंगे, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे। इसलिए आप रिव्यू पर ध्यान दें और अपनी लिस्टिंग को अप टू डेट रखें। तीसरा जो होता है, जो नीचे दिए हुए हैं, ये SEO के सर्च रिजल्ट है जो थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस होता है, इसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। SEO
अलग अलग टाइप का होता है जो इसको करने का प्रोसेस होता है। ऑन पेज एसईओ पर काम करते हैं और ऑफ पेज एसईओ पर काम करते हैं, टेक्निकल एसईओ पर काम करते हैं। इन तीनों पर काम करने के बाद सर्च रिजल्ट में आपको एक पोजीशन मिलती है जो धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहती है। इसलिए एसईओ के थ्रू भी आप अच्छी लीड निकाल सकते हैं। अगर आप पैकर्स मूवर्स की वेबसाइट का एसईओ कराना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करें, आपको बहुत ही इकोनॉमिकल बजट में एक अच्छा एसईओ हम करके देंगे। और जो इसके नीचे सर्च रिजल्ट आपको दिख रहे हैं वह भी गूगल एड्स के सर्च रिजल्ट है। कभी कभी ये सिर्फ टॉप में दिखते हैं, कभी कभी सिर्फ बॉटम में दिखते हैं और कभी कभी यह दोनों जगह दिखते हैं। ये अलग अलग सर्च के ऊपर डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं है कि कब कहां यह डिस्प्ले होगा। इसके बाद आप अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत जरूरी है पैकर्स मूवर्स के लिए, क्योंकि आज की डेट में हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है। वहां पर इतने ज्यादा यूजर है कि आप सोच भी नहीं सकते, मिलियन और बिलियन में यूजर्स होते हैं। आप फेसबुक पर अपना पेज बनाएं और फेसबुक पेज बनाने के बाद आप उसको प्रमोट करें, उस पर अपडेट करें। एग्जांपल के लिए मैं एक फेसबुक अकाउंट दिखा देता हूं। यहां पर सर्च करता हूं मैं पैकर्स मूवर्स, तो पैकर्स मूवर्स सर्च करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यह एक स्पॉन्सर्ड एड है। और फेसबुक पर भी दो तरह के एड चलते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। एक जो आप सिंपल पोस्ट डालते हैं, दूसरा जो बूस्ट करते हैं, किसी भी पोस्ट को जो बूस्ट करते हैं, स्पॉन्सर्ड एड भी बोलते हैं, आप वो भी चला सकते हैं, लीड फॉर्म भी बनता है। इसलिए फेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी पैकर्स मोर्स बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो आपको नीचे रिजल्ट दिख रहे हैं वह सब स्पॉन्सर्ड है और लोग टाइम टू टाइम अपडेट रखते हैं। इसलिए कोई भी अगर आप बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड हो, आप फेसबुक पर भी अपना प्रमोशन कर सकते हैं। ये एक लियो पैकर्स मोर्स के नेम से एक फेसबुक पेज है, यहाँ पर कुछ पोस्ट डेली बेसिस पर डाली जाती है हैशटैग के साथ। हैशटैग का एक इम्पोर्टेंट रोल है जो आपके सर्च रिजल्ट को इम्प्रूव करता है, इसलिए आप हैशटैग के साथ पोस्ट डालें और इसका फायदा उठाएं। इसके बाद आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, यहाँ पर इमेज प्रमोशन ज्यादा होता है। इंस्टाग्राम का भी एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पर सर्च करते हैं पैकर्स मोर, तो पैकर्स मोर सर्च करने के बाद यहाँ पर जैसे अग्रवाल पैकर्स मोर टॉप में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली पोस्ट रील्स डाले जा रहे हैं। आप भी ऐसी पोस्ट और रील बनाकर डाल सकते हैं, यहाँ से काफी अच्छा एंगेजमेंट आपको मिलेगा और वह आपका एंगेजमेंट आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप स्मार्टली काम करें। इसके बाद लिंक्डइन पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सर्च रिजल्ट में आपका लिंक्डइन सर्च में दिखाई देगा। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग कंपनीज है, जैसे अग्रवाल है और भी काफी कंपनीज है, मेट्रो रिलोकेशन है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप इंस्टाग्राम पर भी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे, वहां से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसके बाद आप यूट्यूब पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, आप ब्लॉगिंग साइट्स पर जाकर अपने अकाउंट बना सकते हैं और वहां पर कंटिन्यूअसली अपडेट अपने बिजनेस से रिलेटेड कर सकते हैं। अगर आपका पैकर्स मोर्स का बिजनेस है, आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, SEO, SMO या गूगल माई बिजनेस पर अपना प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।